और वही बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां हावड़ा में ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन डीरेल हो गई है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां हावड़ा में एक्सप्रेस ट्रेन डीरेल हो गई है। सिकंदराबाद शालीमार ट्रेन पटरी से उतरी है। नालपुर के पास ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं, ये राहत वाली जानकारी निकल करके सामने आई है। जहां हादसे में अभी तक किसी के घायल होने की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन सबके बीच में देखिए डीरेल होने का लगातार सिलसिला जारी है। पश्चिम बंगाल से ये खबर सामने आई है, जहां पर हावड़ा में एक्सप्रेस ट्रेन डीरेल हो गई है। सिकंदराबाद शालीमार ट्रेन पटरी से उतर गई है। और ये देखिए, यह तस्वीर भी हम आपको एक तरफ दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कई बोगियां जो है वो यहां पर पटरी से उतर गई, और इसी के साथ नालपुर के पास में ये पूरी घटना हुई है, जहां पर डिब्बे पटरी से उतर गए हैं और ये बोगियां जो पटरी से उतरी हैं। लेकिन फिलहाल एक अच्छी और राहत वाली ये खबर है कि कोई भी इसमें हताहत नहीं हुआ है, घायल होने की जानकारी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ डीरेल हुई है, पलटी नहीं। और यहां पलटने से ही ये राहत वाली जानकारी कि किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, घायल होने की जानकारी नहीं सामने आई। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार किस तरह से ट्रेनें जो है वो चल रही हैं, या किस तरह से व्यवस्था जो है वो है, क्योंकि लगातार हम डीरेल होते हुए ट्रेनों को देख रहे हैं। कभी मालगाड़ी डीरेल हो जाती है, तो कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर में कई ऐसे पैसेंजर गाड़ियां जो है वो डीरेल हो जाती है। अधिकारी लगातार लगे हुए हैं, जांच का विषय सब कुछ बना है कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना हुई कैसे, और बहुत बड़ा ये हादसा हो सकता था। लेकिन राहत वाली बात यह है कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है, क्योंकि ये बोगी पलटी नहीं है, डीरेल होकर के एक तरफ जाकर जो है खड़ी हो गई। आप देखिए कि जो इसका व्हील है वो देखिए पटरी के उस साइड से ये है गिरा हुआ है, लेकिन अच्छी बात यही है कि व्हील के ऊपर ही अभी भी बोगी है, वो पलटी नहीं, जिस वजह से हादसा जो है वो यहां पर बड़ा होने से बच गया। और चलिए अब नजर